एक सुपरस्टार ने कॉल किया, मैं इतना मतलब वाइब्रेट हो रहा था, मतलब शावरिंग। मैं सोच रहा था कि हर बार अच्छा मेरा फिल्म भी नेटफ्लिक्स में आना चाहिए एक दिन। अगर कांतारा का बजट मान लीजिए 200 करोड़ होता, हमको समझ में नहीं आएगा वो पैसा कैसे खर्च करते हैं। Hi, hi, my name is Ira Singh and this is a very special interview. I'm calling this a special interview because aaj mere saath jo guest hai, he's one of the defining names of 2022. Is saal ko jab yaad kiya jayega, to is naam ke saath yaad kiya jayega. I have with me the one and only Rishabh Shetty. Hello sir, welcome Hello. To Netflix. Thank you so much. Sir, maine dekha ki interviews ke liye, you know, aap kai baar Bombay mein gaye. Is baar socha ki kuch alag karte hain. Hum aapke paas aate hain. We're shooting today in Bangalore. Ek cheez jo aap bologe ki Ira, Bangalore se jane se pehle tum ye try karke jao yahan se. Aapka recommendation kya hai? Bangalore ka har jagah jao. Aapko bahut acha experience milega jo हमारे बहुत सारे प्लेसेस का बहुत सारे हिस्ट्री है जी। जो काना हो या विजिटिंग प्लेस हो जी। हर जगह में आपको कहानियाँ बताते हैं जगह। कांतारा को भी 50+ days हो गए इन द थिएटर्स आल्सो, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू सो मच। योर फेवरेट कॉम्प्लीमेंट दैट हैज कम फ्रॉम यू, एकदम ऐसे अनएक्सपेक्टेड जगह से कि इन्होंने भी बोला कि यार मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। रजनी सर एंड कमल सर, टेल अस व्हाट डिड यू से। One extreme mass appealing superstar और एक तरफ जो performance के हम लोग गॉड कहते हैं कमल सर को जी। और जो उन्होंने जो कंटेंट लेके आए जो इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में बहुत इंस्पिरेशनल है। सो दोनों का भी वैसा ही एक एनर्जी मिला मुझे, मतलब जो अभी क्या किया तूने ये कुछ नहीं है, आगे बहुत सारा करना है। वो एक रजनी सर से मतलब वन हार वी सेट विद हिम एंड बहुत सारे सीन्स के बारे में बात किए और परफॉर्मेंस के बारे में अप्रिशिएट किए रजनी सर। और कमल सर जो फिल्म देख के तुरंत फ़ोन किया मुझे, और उसके बाद लेजेंडरी नॉलेज थे गिरीश कारण सर, उनका एक फिल्म था काडू, दैट इज़ ऑल्सो अबाउट फॉरेस्ट। सो उधर से इंस्पायर होके वो कुछ और कंटेंट किए थे। हाँ। वो जो इंस्पिरेशन के बारे में बता रहे थे और आगे कांतारा एक इंस्पिरेशनल होगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एक सुपरस्टार ने कॉल किया, मैं इतना मतलब वाइब्रेट हो रहा था, मतलब शावरिंग। आई वाज लाइक पूरे एज अ फोन रजनी सर या विद कमल सर या दोनों के साथ? दोनों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन रजनी सर को मैं सामने मिला तो हाँ। घर बुलाए थे तो आया, तो वो कंफर्टेबल किया उधर। कमल सर से मैं फोन में बात किया तो ऐसा था। सो ऑन दैट, इट्स बीन अ गुड ईयर फॉर इंडियन सिनेमा, ऐसे कह सकते हैं। कांतारा को छोड़ के आपकी फेवरेट इंडियन फिल्म दिस ईयर? अप्पू सर के एक पुनीत राजकुमार सर का एक डॉक्यूमेंट्री था, वो बहुत पसंद आया बिकॉज इट्स इमोशनली वेरी कनेक्टेड टू मी। सर को मैं लास्ट टाइम देख रहा था, वो एक वेरी इमोशनल मोमेंट भी था। और एक रिसेंटली एक तमिल में एक फिल्म आया लव टुडे, वो भी एक्चुअली ऑन नेटफ्लिक्स। हाँ, वो एक बहुत अच्छा फिल्म था। वैसे बहुत सारे कन्नड़ा फिल्म भी आए, चार्ली ट्रिपल सेवन वाज माय फेवरेट फिल्म। सो वो अगर मैं चार्ली को चुना तो लोग बोलते हैं इसका दोस्त का फिल्म है इसलिए बोल रहे करके, लेकिन चार्ली वाज वेरी इमोशनल आल्सो, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म दिस ईयर आई थिंक। एक प्रॉपर रिकमेंडेशन लिस्ट एंड डेफिनेटली स्टार्ट हुआ हमारा कन्नड़ा इंडस्ट्री का KGF 2 से। ऑफ कोर्स। सो यू नो फिल्म्स के बारे में तो बहुत सारी बातें हो रही है कि इतने बजट की फिल्म बन रही है, उतने बजट की फिल्म बन रही है। मैंने आपके इंटरव्यूज़ में देखा कि आपने बात किया कि कंटारा एक्चुअली जितना बजट था उससे डबल में बनी, बट अगर डबल से थोड़ा ज़्यादा हो गया, डबल से लेकिन वो भी अभी मतलब मैं बोल रहा हूँ डबल से ज़्यादा हो गया। अभी मैं और मेरा बीवी बात कर रहे थे, पहला बार एक बड़ा बजट में फिल्म किया, इसका 10% था मेरा लास्ट फिल्म का बजट, लेकिन रिलीज होने के बाद जो फिल्म खुद पैन इंडिया बन गया तो लोग कहने चालू किए कि एक लो बजट में फिल्म करके इतना बड़ा हिट हो गया करके। सो इन योर हेड यू वर थिंकिंग कि मैंने हाई बजट फिल्म बनाई है एंड देन आप रिएक्शन लोगों का इतना बड़ा हिट किया ना, उसके बाद लोग बोल रहे थे। मैं उसके बाद मैं प्रगति से बात किया, देख अभी एक ऐसा पैन इंडिया हो गया जो वो भी लो बजट हो गया मेरा। ये शुरू करने समय में वही था। अगर कांतारा का बजट मान लीजिए 200 करोड़ होता तो वुड कांतारा हैव लुक्ड एनी डिफरेंट, या आप जैसा है उसे वैसे ही रखते? हमको समझ में नहीं आएगा वो पैसा कैसे खर्च करते हैं।
क्योंकि वो स्टोरी को क्या चाहिए, सिर्फ उतना कर रहे हैं हम लोग। सारे के सारे पैसे सीधा स्क्रीन पे गए जी, वेस्ट नहीं किए हम लोगों ने। 200 करोड़ बजट किए दिए, तो हम लोग जो कंबड़ा जो रेस है जी, वो हेलीकॉप्टर से हम लोग शूट नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग उधर जमीन पे रख के कैमरा शूट कर देते। अभी आप मतलब राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, अगर कोई आपको किडनैप करके गन पॉइंट पे पूछे कि एक प्रोफेशन सिर्फ चूज करना है आपको, आज से आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, तो व्हाट विल यू पिक? आई एम वेरी इजी विद गन्स, सो वो गन ऐसा टर्न करके वापस रखता हूँ मैं। तो क्या करना चाहता हूँ मैं वही करता हूँ। Got it, sir. Got it. Jokes about, I like direction. ज़्यादा हाँ, ज़्यादा पसंद करता हूँ। कहानियाँ क्या आता है तो क्या सोचते हैं वो बताने का एक बहुत अच्छा फीलिंग रहता है। सर, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट वर्क एंड मनी, आई वॉन्ट टू आस्क, क्योंकि मुझे याद है कि मैं पहली सैलरी जो मैंने अपने आप से कमाई थी वो कुछ ऐसे 1,000 रुपए वगैरह थी। मैंने कुछ लिखा था उसके लिए, मुझे मिला था। आपको क्या लिखे थे आप, मतलब आर्टिकल? हाँ सर। ओह अच्छा। ऐसे मतलब मैं 16-17 साल की थी और पेरेंट्स से ना पॉकेट मनी मांगनी नहीं थी, तो मैंने इंटरनेट पे फ्रीलांस का कोई वेबसाइट ढूंढा, आर्टिकल लिखा और उन्होंने पैसे भी दे दिए। मैं खाओ। तो आपको अपना फर्स्ट सैलरी याद है? थिंक कॉलेज में मैं मिनरल वाटर शुरू किया था पहली बार, एक बॉटल 20 लीटर्स का। हाँ। उस समय 25 लीटर्स का जो कैन आता था वाइट कैन, वो सेल किया था 25 रुपीज़ से। मैं लिया मेन डिस्ट्रीब्यूटर से, वो जाके घर घर को भेजा, थिंक 50 रुपीज़ में, 25 रुपीज़ था। तो 2003 एंड उसके बाद फिल्म में मैं एक 2004 एंड में काम करने के शुरू किया, 1.5 साल काम किया था, 1.5 ईयर्स। सो 1.5 ईयर्स को मुझे 1,500 रुपीज़ सैलरी था। लोग बोले कि अगर फिल्म इंडस्ट्री गए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो शुरू में काम देते तो पैसा क्यों देते आपको करके। सो वो 1,500 रुपीज़ वैसे लेके आके मैं माँ को दिया। मैं आगे जाके कुछ बना, कुछ नाम कमाया, तो एक बड़ा बनने के बाद मुझे ये 3 नोट चाहिए, ठीक है। आपको मिले सर? नहीं, वो एक 6 महीने के बाद मैं और एक कॉलेज में हॉलीडेज था, उस समय वापस गया, तो काम करने के लिए लोग आते, उन लोगों को पकड़ दिए अम्मा ने। आपके 3 नोट गए? हाँ, पूरा इतने झगड़ा किया मैं माँ से, मतलब उसके बाद माँ बोल रही थी कि नहीं, वो 1,500 रुपीज मैं देता हूँ वापस, नहीं चाहिए मुझे, मुझे वही 3 नोट चाहिए, 3 नोट चाहिए, वही नंबर वाले चाहिए थे। अब जो कांतारा का पोस्ट सक्सेस है, मैं जानती हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ आज एक ट्रिप पे निकलने वाले हो, बट इन एनी अदर वे आपने अपने आप को, वो कहते हैं ना ट्रीट योर सेल्फ, कि अपने आप के लिए कुछ किया हो या खरीदा हो आफ्टर द सक्सेस ऑफ कांतारा? हैव यू डन? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा आदमी नहीं हूँ मैं, मतलब अभी एक आधा ट्रिप तो किया मैं फैमिली के साथ, उधर भी जाके वो इतने सारे लोग और लोग देखते हैं, तो उधर भी इवेंट्स को जाओ ऐसा कुछ होगा, तो उसके बाद हम सोच रहे थे एक टेम्पल रन है वो करके, घर में बैठे करके वो बेटर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, करके सोच रहे थे। सो योर ट्रीट टू योरसेल्फ वाज क्वालिटी टाइम विद योरसेल्फ एंड फैमिली? नहीं, उधर ही बैठा तो भी और सोच आता है, तो और एक आइडिया। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने बताया भी आइडियाज आते हैं, सो कांतारा के इतने बड़े सक्सेस के बाद सर एक्सक्लूसिवली बताओ कांतारा 2 है? पूछ रही हूं, वही पूछ रहा हूं मैं सर, मैं क्या बताऊं, आप बताओ। बहुत सारे लोग बता रहे, तो देखता हूँ आया तो बोलता हूँ मैं। सो इट्स बीन ग्रेट चैटिंग विथ यू, थैंक यू सो मच ये इंटरव्यू में आने के लिए मेरे साथ, और इतनी सारी यू नो फ्री फ्लोइंग बातें करने के लिए। सर, जैसे मैंने बताया कि कांतारा अब हिंदी में आ चुकी है, मैं चाहूंगी कि एक बार हमारे ऑडियंसिस को बताएं दैट व्हाई दे नीड टू वॉच रीवॉच कांतारा। वो मैं बोल नहीं सकता हूँ व्हाई करके, शायद बहुत सारे लोग बात किए हैं कांतारा के बारे में, ठीक है। तो जो फिल्म मेकर बनने के बाद ही नेटफ्लिक्स आया इंडिया, तो मैं सोच रहा था कि हर बार अच्छा मेरा फिल्म भी नेटफ्लिक्स में आना चाहिए एक दिन। तो हम ट्राई करते जा रहे, फाइनली मेरा फिल्म भी नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, तो एक अच्छा बात है, फील्स गुड। पेड़ों के साथ साथ तुम्हारा रेप्यूटेशन भी कम हो रहा है, शिकार भी जोरों से चल रहा है। डिपार्टमेंट को तकलीफ हो अगर कोई ऐसा कदम उठाया
तो सीधे थर्ड डिग्री मिलेगी। पढ़े बिना ही डिग्री। कांतारा हिंदी में देखिए, नाउ स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स।